समाज के तथाकथित नेताओं को मंच में बैठकर माला पहनना व भाषण देना व कोई नेता को बुलाकर जयकारा लगाना तक सीमित था। सफाई कार्य पर ठेकेदारी का पुरजोर विरोध न करना आज हमारे लिए बहुत मुसीबत का कारण बन गया है। समाज में कुरीतियों के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाया गया। कोई आर्थिक फंड और जिले प्रदेश लेवल का आज पूरी पारदर्शिता के साथ किसी भी संगठन में नहीं है। और जब तक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जब तक किसी संगठन में आर्थिक फंड की व्यवस्था नहीं होगी पूरी पारदर्शिता के साथ, तब तक ना तो कोई संगठन ढंग से काम कर पाएगा, ना कोई जिला काम कर पाएगा और ना कहीं हमारा समाज का विकास हो पाएगा। इसलिए मैं महापंचायत के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि ये आर्थिक जो वित्त फाइनेंस जो समिति है उसको बहुत अच्छे ढंग से, अगर लंबे समय तक कार्य करना है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से, उसको गंभीर चिंतन मनन के साथ उसको करना होगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितने भी समाज डेवलप किए हैं वो समाज के बड़े बड़े लोग जिनके पास आज थोड़ा बहुत पूंजी है उन्हें भी समाज हित में अनुदान करना होगा। किसी भी, जब तक ठंड नहीं आएगा समाज के संस्था के पास, तो ना हमारा प्रदेश अध्यक्ष कुछ कर पाएगा और ना अपनी आवाज़ उठा पाएगा। आज जो भी लोग आ रहे हैं वो अपने अपने पैसे से, बेचारे दूर दराज से लोग आ रहे हैं, जो कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, कोई ठेकेदारी में काम कर रहा है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं। अगर आज हम इस बात को नहीं समझेंगे तो ये संस्था भी ठप हो जाएगी और हमारा काम उतनी गति से नहीं होगा। इसलिए इस पर बहुत ज़रूरी है बात करने के लिए। हमें प्रादेशिक ढांचा बनाना होगा, सभी पदाधिकारियों को स्वच्छ छवि वाले नेताओं को बनाना होगा, उनसे संस्था संविधान के प्रति प्रीतियां उपलब्ध करानी होगी। हर शाखा को काम निर्धारित करना होगा, माह दो माह या तीन माह का आर्थिक एजेंडा भी बनाना होगा। सबसे बड़ी बात है हमें समाज का दिल जीतना होगा, समाज को विश्वास में लेना होगा और इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों को हमें बड़ी गहराई से देखने के लिए करना चाहिए। हमने क्या किया था, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कापियाँ किताब बंटवाई, हम लोगों के पास गए, उनका एडमिशन करवाया, हमने सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए हम उनसे मिले, बल्कि यहाँ तक बात आई कि आपका कोई काम हो तो बताइए। मैंने कहा मेरा कोई काम नहीं है, समाज का काम है, समाज के लिए आप काम करिए। सरकार के बहुत सारी योजनाएँ होती हैं उनका लाभ पहुँचाइए सीधा सीधा। वाल्मीकि धर्मशाला यहाँ पे बना, बहुत अच्छा लगा है, मैं देख रहा हूँ। हम लोगों का छोटा समाज है, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये हम लोग पंडालों में खर्च करते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, बहुत सारी दिक्कतें जाती हैं। मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि अगर हमारे 51 ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, और 51 ज़िले अगर 25-25 पदाधिकारी भी बनते हैं तो 1275 पदाधिकारियों का कैलकुलेशन होता है, और अगर हम उनको 1500 पर पदाधिकारी अगर अनुदान देता है समाज में तो 19,20,500 रुपये होता है, जिससे हम कहीं पर धर्मशाला का निर्माण भी कर सकते हैं। और भविष्य में हमारे जो भाई बहन चार चार शादियां करते हैं, 50-50 हज़ार रुपये का पंडाल लगाते हैं, तो कम से कम वो बचाव होगा उनका, हमारे बच्चे कम से कम उनमें शादी कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। तो साथियों ये सारी बातें हैं, और बहुत सारी बातें मैं कहना चाह रहा था, लेकिन चूंकि बहुत से हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं, और एक चीज़ खास तौर से जो हमारे प्रदेश लेवल की टीम है वो सिर्फ महापुरुषों के उपदेशों को न बता के महापुरुषों के रास्ते पर अगर चलना हम लोग को सिखाएंगे तो उससे हमारा समाज भी बढ़ेगा और हम सब बढ़ेंगे।